लगा दी कि अपने भी लगी है, पता नहीं चला इसका। हरिद्वार से बड़ी खबर है जहां जेई भर्ती पेपर लीक में एक्शन देखने को मिला है। जेई पेपर लीक में 9 लोगों पर कार्रवाई देखने को मिली है। सीएम के निर्देश के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। आयोग में अनुभाग अधिकारी पर केस दर्ज हुआ है। एसआईटी जांच में पेपर लीक की पुष्टि, जिसके बाद ये एक्शन देखने को मिला है। उत्तराखंड में जूनियर इंजीनियर भर्ती पेपर लीक के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। सीएम धामी ने पटवारी पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसआईटी को जांच के निर्देश दिए थे। एसआईटी की जांच में जेई भर्ती का पेपर भी लीक होने की पुष्टि हुई है। अब एसआईटी ने कनखल थाने में 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि जेई पेपर लीक मामले में लोक सेवा आयोग के ही दूसरे अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार पर भी केस दर्ज किया गया है। परीक्षा को लेकर कुछ शिकायतें माननीय मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हुई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए उनके द्वारा इस पर विस्तृत जांच के आदेश दिए गए थे। इसकी जांच जो है एसआईटी हरिद्वार द्वारा की जा रही थी। प्रथम दृष्टया इसमें कुछ ऐसे साक्ष्य है जो इस परीक्षा में कहीं न कहीं चूक की ओर इंगित कर रहे थे, जिससे शासन को तत्काल अवगत कराया गया, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुकदमा दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए, जिसके क्रम में आज थाना कंखल पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और वहीं यूके ट्रिपल एससी की एईजेई परीक्षा में हरिद्वार पुलिस की एसआईटी जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना कनखल में 9 लोगों पर धारा 420, 409, 120B सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सीएम धामी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। सीएम ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि गड़बड़ी करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने प्रदेश में देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून लाने की बात कही है। जेई और एई की जो भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी, उस पर भी जो है कुछ शिकायतें मिली और हमने प्रारंभिक उसमें जांच करवाई। प्रारंभिक जांच में और इसमें गड़बड़ियों की पुष्टि हुई है और हमने कहा है कि इस पर जो पहले से हमारा स्टैंड है, सख्त कार्रवाई हो, इस पर भी सख्त कार्रवाई होगी और जो भी दोषी हैं वो किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर, हमारे बेटे बेटियों के भविष्य को लेकर हमारी पहले दिन से ही इसमें हमारा मनसा, हमारा कार्य सभी स्पष्ट है कि कोई भी गड़बड़ी किसी भी परीक्षा में पाई जाएगी और जो पुराना ये कैंसर लगा हुआ है, ये नासूर बना हुआ है, जब तक इसकी पूरी सफाई नहीं हो जाती तब तक हमने कहा है कि हम इस पर लगातार कार्रवाई करेंगे।